यूएई की इन चार ऑप्शंस में से कौन सी एयरलाइन है? सो इसका जो जवाब है वो है इतिहाद एयरवेज। जी हाँ। सो अगला सवाल है, इन चार ऑप्शंस में से लिबनान की कौन सी एयरलाइन है? तो इनमें से जो लेबनान की एयरलाइन है वो है MEA, मिडल ईस्ट एयरलाइंस। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शंस में से USA मतलब अमेरिका की कौन सी एयरलाइन है? तो इनमें से जो USA की एयरलाइन है वो है ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शंस में से नॉर्थ कोरिया की कौन सी एयरलाइन है? नॉर्थ कोरिया की जो एयरलाइन है वो होगी एयर कोरियो। कजाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इनमें से जो कजाकिस्तान की एयरलाइन है वो होगी एयर अस्ताना। इन चार ऑप्शंस में से अमेरिका की कौन सी एयरलाइन है? ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शंस में से कनाडा की कौन सी एयरलाइन है? तो इसमें से जो ऑप्शंस होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील की कौन सी एयरलाइंस है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड सी। कोलंबिया की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसमें से जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा एवियन का एयरलाइन। स्पेन की कौन सी एयरलाइन होगी इन चार ऑप्शंस में से? तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा, इसका जवाब होगा वो है व्यूलिंग एयरलाइंस, दूसरा ऑप्शन। यूनाइटेड किंगडम की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थ्री। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन वन, GMG एयरलाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरलैंड की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन टू, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा, जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। रशिया की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एरोफ्लोट, ऑप्शन फोर। यूनाइटेड किंगडम की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा, जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताइवान की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? सो इसका जो जवाब होगा वो होगा चाइना एयरलाइंस। इन चार ऑप्शन में से चाइना की कौन सी एयरलाइन है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शन में से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी एयरलाइन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा
बोथ बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इनमें से जो जवाब होगा वो होगा लायन एयर इज द एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया। इनमें से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी एयरलाइन है? तो इनमें से जो ऑप्शन होगा, जो जवाब होगा वो होगा जेटस्टार इज द एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड सी। फिलीपींस की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एयर एशिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शंस में से कतर की कौन सी एयरलाइन है? तो इसका जो जवाब है वो होगा कतर एयरवेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? इसका सिंपली शाहीन एयरलाइन ही है। नेदरलैंड की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? जी KLM इज द एयरलाइन ऑफ नेदरलैंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहरीन की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? जी ऑप्शन नंबर 4 इज द एयरलाइन ऑफ बहरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएई की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो बहुत ही कॉमन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूटान की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द एयरलाइन ऑफ भूटान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हांगकांग की एयरलाइन कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से? तो इनमें से जो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द एयरलाइन ऑफ हांगकांग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउथ कोरिया की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एशियाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एयर ब्लू इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। म्यांमार की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एयर बैगन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एयरलाइन ऑफ यूक्रेन इज यूक्रेन की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द एयरलाइन ऑफ यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन चार ऑप्शन में से पाकिस्तान की कौन सी एयरलाइन है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एरो एशिया इज द एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीस की कौन सी एयरलाइन है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द एयरलाइन ऑफ ग्रीस।